चलो हेलो, एक कविता। हाय, टाइम निकल गया। नमस्ते नमस्ते। तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल शुरू कर सकती हैं आप। तो वरुण बडोला जी और राजेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंस्टाग्राम के सारे लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने मंच पे काम किया हो, जो नाट्यग्राम में करते हो, उन्हें इंस्टाग्राम में आने में इतनी तकलीफ हुई, खुदा की कसम, कैसे आते हैं कैसे जाते हैं कुछ समझ में नहीं आया। पर क्योंकि इसमें ग्राम लिखा हुआ था तो मैंने सोचा कि लोकमंच से कनेक्टेड होगा, मैंने हाँ कर दी। तो समय को ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। आज एक बड़ी अद्भुत सी चीज करने वाले हैं कि डॉक्टर धर्मवीर भारती, जो अपने जमाने के बहुत ही विख्यात साहित्यकार रहे हैं और बहुत ही लोगों के प्रिय मॉडर्न कहानीकार, कवि और नाटककार रहे हैं, उनके तीन कृतियों पर आधारित हमारी ये शब्द लीला होने वाली है। अंधायुग लोगों को पता है, कनुप्रिया लोगों को पता है, पर जो उन्होंने मिसेस भारती को, यानी पुष्पा भारती को जो पत्र लिखे थे, उसको मिला करके पहली बार उनके जीवन के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ एक साहित्यकार अपना अलग अलग रंग अपने शब्दों का दिखाता है। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी शब्द लीला, जिसमें कि हमने जब पहली बार किया था तो बहुत बड़े स्केल पे होता है, आप लोग वहीं देखने आए, इसके लाइट की थी सलीम अख्तर ने, सेट किया था सलीम अख्तर ने, और ध्रुव गानेकर ने म्यूजिक किया था, और संजय जी ने, संजय डैस, उन्होंने सारा कुछ साउंड को ऑपरेट किया था, और अर्णव चौधरी ने विजुअल्स, यानी ये बहुत बड़ी चीज है, उसको सिर्फ पढ़ करके आप तक दिखाना भी एक अपने आप में अनुभव होगा। तो चलिए, समय और इसके डायरेक्टर निर्देशक श्री के रैना जी हैं, तो आज वो टीम हमारी है नहीं, एक्टर्स हमारी है नहीं, तो ये हमारे साथ वरुण बडोला जी हैं, राजेश्वरी जी हैं, प्रस्तुत करते हैं। देखिए, ऐसा कुछ हुआ था कि ये भारती जी जो थे वो इलाहाबाद में रहते थे, और वहां से कैसे इनकी एक प्रेम कथा हुई, इसको सुनाने के पहले मैं कनुप्रिया की कविता पढ़ना चाहूंगी। तुम मेरे कौन हो कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई, बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, ये कनु तेरा कौन है। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेतों में पूछा है, कनु तेरा कौन है रे, बोलते क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, ये कान काना आखिर तेरा है कौन, मैं तो आज तक नहीं बता पाई, तुम मेरे सचमुच हो कौन कनु। कनु प्रिया, आज से तकरीबन 40 साल पहले मैंने जब इस कविता को, इस काव्य संग्रह को सुना था तो मैं पगला गई थी। तब तक मुझे तो यही मालूम था कि राधा कृष्ण भगवान के साथ रहती हूँ, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, और ये जरूर मालूम था कि राधा और कृष्ण के बीच में एक अनकहा रिश्ता था, एक स्पेशल रिलेशनशिप थी। पर मजे की बात ये है कि राधा कृष्ण भगवान की पत्नी नहीं थी, पर आज भी हमारे घर के मंदिरों में और बाहर के भी मंदिरों में अगर कृष्ण भगवान विराजमान है तो उनके साथ राधा का होना आवश्यक है। और रुक्मणी, उनका मंदिर हमें या तो फिर द्वारिका में मिलता है या जगन्नाथ जी के मंदिर में मिलता है। खैर, जिस वक्त ये काव्य कृति प्रकाशित हुई, उस समय ना इसने केवल हिंदी साहित्य जगत में बल्कि हिंदी नाट्य जगत में भी एक शाब्दिक क्रांति ले आई, और कम से कम मुझे तो राधा और कृष्ण के प्यार के गहनतम रिश्तों को समझाई दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि एक पुरुष की जिंदगी में अगर कोई दूसरी औरत आ जाती है तो उस औरत के अकेलेपन को, उसकी इनसिक्योरिटी को, उसके दर्द को दुनिया नहीं समझ पाती, बल्कि उसे हर तरफ से ताने मिलते हैं। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा में भी राधा की ये व्यथा कई कवियों ने, साहित्यकारों ने अपने अपने तरीके से उकेरी है। लोक नाट्य में, लोक कविताओं में भी इस बात का जिक्र होता है, परंतु डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने बाल गोपाल कृष्ण की तमाम लीलाओं को पृष्ठभूमि में रखकर उनकी प्रेम लीला को कनुप्रिया में, और महाभारत के एक चतुर और चतुर दार्शनिक और कूटनीतिज्ञ श्री कृष्ण भगवान को अंधा युग में ऐसा गूथा है कि उनकी प्रेम प्रसंग की व्यापकता हमें समझ में आने लगती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि भाई, जिनके पास भाषा नहीं है, शब्द नहीं है, भावों की गहराई नहीं है,
उनके सर पे से तो आज भी गुजर जाएंगे कनुप्रिया और अंधायुग, खास तौर से इस मोबाइल के, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जमाने में, जहाँ शब्द छोटे हो रहे हैं, जहाँ लोगों के पास समय नहीं है, जहाँ भाषा लुप्त हो रही है, तो कनुप्रिया की तह तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। आदरणीय धर्मवीर भारती जी को मैं भाई कहती थी, और पहली बार जब मेरी उनकी मुलाकात हुई थी तो मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी कि भैया इन्होंने कनुप्रिया लिखी है। वीर गंभीर उनका चेहरा, गुंगराले बाल, सांवला रंग, बस एक ही बात नहीं थी कि जैसे श्री कृष्ण भगवान जी के अधरों के बीच में मुरली थी, उनके बीच में सिर्फ एक सिगार था, लगातार धुआं छोड़ता हूँ। ये आदमी इतना रोमांटिक हो सकता है? कोई राधा को तो उन्होंने भी नहीं देखा होगा। तो फिर ये कनुप्रिया की प्रेरणा क्या सिर्फ राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग है, या कहीं भारती जी ने अपने और पुष्पा जी के प्रेम को राधा और कृष्ण का चोला तो नहीं पहना दिया? क्योंकि भारती जी की खुद की जिंदगी में भी यही स्थिति पैदा हो गई थी। पुष्पा जी भारती जी की दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी का नाम है कांता भारती, तीनों में घनिष्ठता थी। हुआ यूं कि इलाहाबाद में पुष्पा जी रिसर्च कर रही थी, और जिस सब्जेक्ट में वो अपना रिसर्च कर रही थी उसके गाइड वैसे कोई और थे, पर महारत उस सब्जेक्ट की हासिल थी डॉक्टर भारती को। इसी सिलसिले में पुष्पा जी का उनके यहाँ आना जाना बढ़ा, और इधर कांता जी और वो दोस्त भी बन गई। पर अनजाने में कभी ये संबंध पनप गया, इसकी भनक शायद किसी को हुई नहीं, और ये स्नेह संबंध अभी प्रगाढ़ तन्मयता में बदल ही रहा था कि पुष्पा जी को कलकत्ता में एक लेक्चरशिप की जॉब मिल गई। यहाँ से शुरू होती है पत्रों की एक प्रेम कथा। जब दूरियां आ जाती हैं तो ये देखिए ना, सेल्फ डिस्टेंसिंग का मामला तो तभी शुरू हो गया था। तो वहां से इन्होंने एक दूसरे को पत्र लिखने शुरू करी। चलिए समय ना गवाते हुए इनकी जीवन की आपके साथ शेयर करते हुए मैं, वडोला जी आप सामने बैठे हैं, मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप पहले पत्र के साथ शुरू करिए आज की हमारी शब्द लीला। वडोला साहब जो है, वडोला जी वो डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, वो सारे प्रेम पत्र पढ़ेंगे, और राजेश्वरी सचदेव उनकी जीवन संगनी जो हैं वो पढ़ेंगी कनुप्रिया की सारी राधा की कविताएं। और मेरा रोल तो आप समझ गए, मैं सूत्रधार हूँ, यदा कदा मैं पुष्पा जी की यादों को भी आपसे साझा करती रहूंगी। तो पहले पत्र के साथ डॉक्टर भारती यानी वडोला जी प्रस्तुत करेंगे आपके सामने पत्र। पुष्निया, एक हफ्ते के इंतजार के बाद कल मलकाय मुअज्जमा श्री पुष्पलता शर्मा एमए का कॉलेज में बैठकर पेंसिल से लिखा डेढ़ कागजों का खत मिला। हमारी झूठी बूटी तारीफ करने के बजाय अगर मलका अपनी तबीयत का हाल लिख भेजती तो हम गरीब रियाया के दिल की कली भी खिल उठती, और भला अपनी ऐसी किस्मत कहां। मलका के एक उस्ताद है यहाँ जो अपने आप को किसी नवाब सिराजुद्दौला से कम नहीं समझते हैं, और हमेशा इत्र फूल जागीर दरबार में डूबे रहते हैं। उनके एक शागिर्द हैं जो परदेश जा बसी हैं, देखने में बहुत सीधी पर असल में इतनी चतुर कि बड़े बड़े डिप्लोमेट उनके आगे पानी भरे। खत उनसे दो दर्जन लिखवा लो पर क्या मजा आल, किसी भी खत में काम की एक भी बात निकल आए। कोई अर्ज नहीं, अब हम भी नहीं बताएंगे कि ब्रह्मा भाई साहब ने अपने बहुत तो प्यारे से खत में क्या क्या लिखा है। हम ये भी नहीं बताएंगे कि पिताजी अगले हफ्ते यहां आ रहे हैं। हम ये भी नहीं बताएंगे कि रामनाथ शर्मा कौन है, क्या है, और हम ये भी नहीं बताएंगे कि कैसे एक माता अपने पुत्र को साथ लेकर कुमारी पुष्पलता को पूछते हुए विमेंस कॉलेज के हॉस्टल पहुंची, और पुष्पा के वहां न होने पर सारा जोखिम हमारी बेचारी शोभा जी जी को उठाना पड़ा। बाकी सब तो वही जो आप अपने खतों में लिखती हैं, आदि आदि। खुदा हाफिज, आपका गरीब बंदा भारती। अब इतने बड़े साहित्यकार, पर यह था कि दूरी के मारे ना वो विचलित हो जाते थे। आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे कि वो दिन में उनको दो, एक नहीं दो नहीं, तीन तीन चार चार पत्र लिखते थे, और भैया एक स्पीड होती जब तक जवाब आए आए वो तुनक जाते थे, और फिर एक उलाना मार करके फिर एक पत्र भेज देते थे। तो फिर उन्होंने पत्र लिख दिया। प्रिय पुष्पा जी, मैं आपको तीन पत्र डाल चुका हूं, किंतु ऐसा लगता है कि आप बहुत बिजी हैं, और चूंकि इस बार आप हमें कसम देकर गई थी कि हम आपको प्रतिदिन पत्र लिखेंगे, इसलिए मैं अपना सारा गुस्सा पीकर आपको लगभग प्रतिदिन खत लिखना जारी रखे हूं। परसों शनिवार को दिन भर आपके पत्र की बेहद प्रतीक्षा कर शाम को आपको एक पत्र डाला। आज सोमवार को सुबह और शाम दोनों की डाक देखकर इस समय फिर लिखने की दृष्टता कर रहा हूं।
पुष्पा जी, यदि आपको कलकत्ते में हमारी पुस्तियां मिले तो उससे कह दीजिएगा कि नहीं 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 उससे कुछ मत कहिएगा ना, व्यर्थ में आप क्यों कष्ट करें। आपसे केवल इतना निवेदन है कि आप एक दो लाइन का खत यहीं पर डाल दें कि आपको ना पत्र पाने की फुर्सत है ना पत्र लिखने की, उसके बाद मैं आपको नहीं लिखूंगा। बहुत मन घबराएगा तो आपके जीजू को लेकर आपका हालचाल पूछ लिया करेंगे, या कलकत्ते जाकर शिक्षा आयतन के दरवाजे पर खड़े होकर दूर से आपको देखकर लौटाया करेंगे। आशा है पत्र लिखने की इस धृष्टता को आप दयालु मन से क्षमा कर देंगे। आप बड़ी हैं, बूढ़ी हैं, व्यस्त हैं, इसलिए प्रणाम भवदीय भारती। इन दोनों भारती जी राधा सीरीज के नाम का एक संकलन भी तैयार कर रहे थे। अब उसमें जो कविताएं थी वो कविता जैसे भी कविता लिखते थे तुरंत अपने पत्र के साथ पुष्पा जी को कविता भी भेज देते थे और प्रतिक्रिया का इंतजार करते थे। तो ऐसी ही कविता जब उन्होंने एक बार लिखी तो पुष्पा जी को भेजी, पुष्पा जी ने पढ़ी। ये जो दोपहर के सन्नाटे में यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती, ये क्या तुम समझते हो इस भांति में अपने को देखती हूं? नहीं, मेरे सामने यमुना के इस नीले जल में मेरा ये वेतस लता सा कांपता तनबिंब और उसके चारों ओर फैली हुई सांवरी गहराई का अथाह प्रसार, जानते हो कैसा लगता है? मानो ये यमुना की नीली गहराई नहीं, ये तुम हो जो अपने सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अपनी श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पोर पोर कसे हुए। ये क्या तुम समझते हो यहां घंटों जल में मैं अपने को निहारती हूं? नहीं, मेरे सामने। भारती जी जब लिखने की उन पे धुन सवार हो जाती थी ना तो फिर उनकी कलम रुकती नहीं थी। इससे पहले कि पुष्पा जी कहती कि वाह क्या कविता लिखी है वो, फिर 4-5 घंटे में कविता राधा सीरीज के लिख देते थे और फिर उन्हें भेजते थे और फिर उन्हें प्रतिक्रिया का इंतजार था। दूसरी कविता जब पुष्पा जी ने पढ़ी कनुप्रिया की थी वो ये थी। आज की रात हर दिशा में अभिसार के संकेत क्यों है? हवा के हर झोंके का स्पर्श सारे तन को झंझना क्यों जाता है? और ये क्यों लगता है कि यदि और कोई नहीं तो ये दिगंत व्यापी अंधेरा ही मेरे शिथिल अधखुले गुलाब तन को पी जाने के लिए तत्पर है? और ऐसा क्यों भान होने लगा है कि मेरे ये पांव माथा होंठ मेरे अंग अंग जैसे अब मेरे वश में नहीं है, एक एक घूंट की तरह अंधेरे में उतरते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। और भय, आदिम भय, तर्कहीन भय जो मुझे तुमसे दूर ले गया था, बहुत दूर, क्या इसीलिए कि दुगने आवेग से तुम्हारे पास लौटा लावे? और क्या ये भय की ही कांपती उंगलियां हैं जो मेरे एक एक बंधन को शिथिल करती जा रही हैं और मैं कुछ कह नहीं पाती? मेरे अधखुले होंठ कांपने लगे हैं और कंठ सूख रहा है और पलकें आधी मूंद गई हैं और सारे शरीर में जैसे प्राण ही नहीं है और मैंने कसकर तुम्हें जकड़ लिया है और जकड़ती जा रही हूं और निकट कि तुम्हारी सांसें मुझ में प्रविष्ट हो जाएं, तुम्हारे प्राण मुझ में प्रतिष्ठित हो जाएं, तुम्हारा रक्त मेरी मृत प्राय शिराओं में प्रवाहित होकर एक बार फिर से जीवन संचरित कर सके। और मेरा ये कसाव निर्मम है और अंधा और उन्माद भरा और मेरी बाहें नागवधू की गुंचलक की भांति तुम्हें कसती जा रही हैं और तुम्हारे कंधों पर बाहों पर होंठों पर नागवधू की शुभ्र दंत पंक्तियों के नीले नीले चिन्ह उभर आए हैं और तुम व्याकुल हो उठे हो अथाह समुद्र की उत्ताल विक्षोभ ठहराती लहरों के निर्मम थपेड़ों से एक छोटे से प्रवाल द्वीप की तरह बेचैन। केली सखी या कनुप्रिया, जब डॉक्टर भारती का संकलन तैयार हो गया राधा सीरीज तो उन्होंने अपनी सूर्या से पूछा, तुम ही बताओ कि मैं इस सीरीज का नाम क्या रखूं, केली सखी या कनुप्रिया? अब आप सोचते होंगे कि बात पुष्पा जी की हो रही थी, सूर्या कौन है? ये सारे नाम पुष्पा जी के हैं। पुष्पा जी कहती हैं कि जब जिस रूप में उन्होंने प्रेम को जीना चाहा वो आधार मैंने देने की कोशिश की। सूर्या के रूप में मैं उनकी पत्नी थी, आरबी यानी राधा भारती के रूप में मैं उनकी प्रेसी थी, राजे और पुष्पन के रूप में मैं उनकी मित्र थी, बेनु बावरिया बनकर मैं उनकी बहन थी और बिटिया या गुड़िया कहलाकर मैं उनकी बेटी थी, शिष्या थी। यहाँ तक कि सृजन के क्षणों में केष्टो नगर की सरस्वती के रूप में मैं
उनकी आराध्या भी थी। अगस्त के कटावदार फूल जिन्हें वो कहते थे, अपने उन्हीं पैरों से चलकर उनके साथ हिम यात्रा का संकल्प ले चुकी मैं उनकी सहयात्री बन चुकी थी। पर कभी कभी क्या होता है कि कोई संकल्प तो आप ले लेते हैं, पर आपके जीवन में कोई विकट स्थिति भी आ जाती है। और ऐसी ही एक विकट स्थिति डॉक्टर भारती के जीवन में आ गई, जब उनको अपने हृदय और विवेक दोनों से ही ऐसा कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें सही निर्णय लेने का साहस दे पाता। तो उन्होंने केवल एक रास्ता चुना, समर्पण का रास्ता। निश्चय किया कि खंडवा जा करके वो अपने दादा को सब कुछ सच सच बता देंगे, यानी पुष्पा जी को अपना नाम देने का निर्णय और उनसे विवाह। संपूर्ण समर्पण की शक्ति पर उन्हें विश्वास था। जानते थे कि दादा के पास से कोई ना कोई तो दिशा निर्देश मिलेगा ही। दादा यानी साहित्य देवता माखन लाल जी चतुर्वेदी, जिन्हें प्यार से भारती जी और साहित्य जगत के लोग दादा ही पुकारते हैं। और खंडवा जहाँ वो रहते थे वो भारती जी के लिए तीर्थ स्थल था, हमेशा जाते थे। तो भारती जी पहुंचे, सदा की तरह दादा का उनका पूरा परिवार खिल उठा, सबने कुशल क्षेम पूछी, घर के बाहर के सारे लोगों से जब मेल मिलाप खत्म हुआ तो पलंग पर तकिए का सहारा लेकर विष्णु मुद्रा में लेट पड़े माखनलाल जी चतुर्वेदी दद्दा, और पायताने पर पैरों के पास बैठ गए भारती जी। दद्दा ने पूछा, क्या लिख रहे हो बच्चन आजकल? भारती जी ने तुरंत उन्हीं दिनों लिखी अपनी ये कविता पढ़ के सुना दी। छिन में धूप छा छिन ओझल, पल पल चंचल गोरी दुबली बेला उजली, जैसे बदली क्वार की सुबुक हठीली, हरी परत में हल्की नीली, आग लपेटे एक कली कचनार की, दक्षिण पवन में झोंके लेती डार की लहर बदन में, जिसने आकर कर दी है छवि और उजागर, मेरे छोटे फूल बसे घर, धूप धुली छत, छाह लिपी दीवार की। और कविता पढ़कर भारती जी थोड़ी देर चुप बैठे रहे, फिर एकदम से दादा की आंखों में आंखें डालकर के बोले, दादा इस लड़की के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, अभी करूं या कभी और? दादा बोले, फिर कभी क्यों, अभी इसी वक्त क्यों नहीं, जब से आए हो मैं बहुत कुछ देख समझ रहा हूँ। तुम्हारी कोई बेचैनी कभी मुझसे छिपी है भला? बोलो, खुलकर बोलो सब कुछ, सच 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 बोलो। सच और सच के सिवा और कुछ बोलने की बात थी नहीं। पिता सुन रहा था, युवा पुत्र बोल रहा था, एक एक वाक्य, एक एक अनुभव, एक एक संशय, एक एक निश्चय। उसके बाद दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा चुप्पी का, दोनों ओर की चुप्पी ने रात के अंधेरे को और गहरा और भारी बना दिया। कि तभी एक निरपेक्ष वाक्य सुनाई दिया, बच्चन बहुत रात हो चुकी है, थक गए होगे, जाकर थोड़ी देर सो जाओ। और अपने अधले के पांव पसार करके सो गए। भारती जी व्याकुल चरण स्पर्श करके अपने कमरे में आए, पूरी रात टहलते टहलते भी थी। सुबह जब उठे तो विदाई लेने का समय था, पहुंचे जाकर के उनके उन्होंने चरण छुए, सब कुछ ऐसा होता है सामान्य। पर एक बात नहीं हुई, दद्दा ने भारती जी के हाथ में एक पीला पैकेट पकड़ाया, कहा इसे घर ले जाओ, पर घर जाकर के खोलना, पहले मत खोलना। उन्होंने कहा हाँ दद्दा, और चले गए। घर आते ही उन्होंने ये पैकेट खोला, ये क्या भगवान, पैकेट में दो साड़ियां एक जैसी पीले लिफाफे में से, बिल्कुल चंदेरी की, सिलेटी रंग की, अगरबत्ती के राख के रंग की, बारीक सुनहरी जरी के किनारे वाली, बहुत नाजुक, बहुत खूबसूरत, पर एक नहीं दो साड़ियां। यानी ये जवाब था उस रात के सैकड़ों सवालों का। अद्भुत लीला दिखाई नरनागर, क्या नायाब तरीका सूझा निर्णय देने का। केवल भारती जी ही जानते होंगे उस रस को जो उस कालखंड की लहरों में डूबते उतराते उन्हें मिला होगा। खैर, भारती जी तो यहाँ आए थे दिशा लेने के लिए दद्दा के पास। वहां जो पुष्पा जी थी वो घबराहट में थी, बेचैनी थी, दूरी थी। तो ऐसा अक्सर देखा गया कि एक औरत अपने प्रिय के मन में चाहे कितनी भी क्यों ना बसी हो, दूरियां उसके मन को विचलित कर देती हैं। तरह तरह के ख्याल आते हैं, पता नहीं दादा ने क्या कहा होगा, क्या नहीं कहा होगा। खास तौर से उन दिनों में
जब मोबाइल नहीं था, फेस टाइम नहीं था, डॉक्टर की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, अब भाई सबके पास कृष्ण भगवान जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर तो नहीं होती कि बंसी बजा करके अपनी दिव्य शक्ति से राधा को कहीं भी बुला लिया, और ना ही कालिदास जैसी कल्पना शक्ति जिसने मेघदूत द्वारा नायक यक्ष का संदेश उसकी प्रेसी को बादलों के द्वारा पहुंचाया। पर चलिए कुछ वक्त के लिए विषय से थोड़ा हटकर मैं थोड़े लाइटर मूड पे आज के जमाने की लैंग्वेज में बात करना चाहूंगी। जरा सोचिए कि भगवान कृष्ण आज के समय होता, उनके पास मोबाइल होता, सोशल मीडिया होता, इंटरनेट होता, इंस्टाग्राम होता, ये जूम होता, यानी क्या क्या होता, हैशटैग होता, तो भगवान कृष्ण राधा को कैसे संदेश देते? हैशटैग राधा व्हाट्सएप, हैशटैग मिसिंग, हैशटैग द्वारिका इज नो फन विदाउट यू, हैशटैग हाउ आर माय 16,000 गोपीज, हैशटैग कैच अप सून, हैशटैग थोड़ा लिखा ज्यादा मानना। अब आप बताइए इससे क्या थोड़ी सी भी साहित्यिक उपलब्धि हमें हो सकती थी? पर डॉक्टर धर्मवीर भारती ने पत्रों के माध्यम से प्रेम को एक नया अर्थ दिया। इतने सारे शब्द इतने भावों में डूबे हुए, जरा सोचिए कि औरत के भय को, उसकी सारी शंकाओं को, आशंकाओं को कनुप्रिया की राधा ने कैसे व्यक्त किया है कविता आदिम भय में। अगर ये निखिल सृष्टि मेरा ही लीला तन है तुम्हारे आस्वादन के लिए, अगर ये उत्तुंग हिम शिखर मेरे ही रुपहली ढलान वाले गोरे कंधे हैं जिन पर तुम्हारा गगन सा चौड़ा और सांवला और तेजस्वी माथा टिकता है, अगर ये चांदनी में हिलोरे लेता हुआ महासागर मेरे ही निरावृत जिस्म का उतार चढ़ाव है, अगर ये उमड़ती हुई मेघ घटाएं मेरी ही बलखाती हुई वे अलके हैं जिन्हें तुम प्यार से बिखेर कर अक्सर मेरे पूर्ण विकसित चंदन फूलों को ढक देते हो, अगर सूर्यास्त वेला में पश्चिम की ओर झरते हुए अजस्र प्रवाही झरने मेरी ही स्वर्ण वर्णी जंघाएं हैं, और अगर ये रात मेरी प्रगाढ़ता है और दिन मेरी हंसी और फूल मेरे स्पर्श और हरियाली मेरा आलिंगन, तो ये तो बताओ मेरे लीला बंधु कि कभी कभी मुझे भय क्यों लगता है। अगर ये निखिल सृष्टि मेरा लीला तन है तुम्हारे आस्वादन के लिए, तो ये जो भयभीत है वो छाया तन किसका है, किस लिए है मेरे मित्र? भारती जी छायावादी कवियों से कुछ अलग ही सोचते थे। उनका मानना ये था कि भाई आपस में किसी को किसी से प्रेम है तो डर कैसा, प्रेम को शब्दों में घुमाकर, शब्दों की छाया में रख करके, इशारों में बात कहना, समाज से डरना, ये उनके हिसाब से ये सब कुछ जो है वो एक पुराण पंथी दृष्टिकोण था। अपने पत्र में वो पुष्पा जी को विस्तृत रूप से समझाते हैं कि क्यों वो टैगोर के छायावादी प्रेम से सहमत नहीं है। अच्छा देखो कैसी अजब बात है, जिन दिनों बाणभट्ट की आत्मकथा में डूबकर तुम्हारी बात महामाया से हुई और महामाया ने तुम्हें वो वाक्य कहा, बांधने में सफलता पर सार्थकता मुक्ति देने में, उन्हीं दिनों में यहां टैगोर की कविता पढ़कर चौंक गया था। ऐसा लगा जैसे टैगोर ने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मेरे सामने लगा दिया था। टैगोर की कविता का अर्थ यह है कि लगाव नहीं वर्णपूर्ण अलगाव ही रागात्मक संबंधों की एकमात्र सार्थकता है। वो कहते हैं फूलों को आंचल में मत बांधो, दीपक को अंजलियों की छाया में मत बांधो, सरिताओं को बांध बनाकर मत बांधो, वीणा को संगीत लय में मत बांधो। टैगोर बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूं, पर जाने क्यों मन इस कविता से उद्वेलित तो हो उठा पर इसके सत्य को जो का त्यों स्वीकार नहीं कर पाया। क्या दीपक इसलिए बुझते हैं कि लगाव के कारण उन्हें आंचल से ठककर उन्हें बांधने की चेष्टा होती है? क्या वो इसलिए नहीं बुझते कि जिस स्रोत से उन्हें निरंतर स्नेहाधार मिलना चाहिए अलगाव के कारण उन्हें वो स्नेह नहीं मिल पाता? क्या फूल इसलिए कुमलाते हैं कि उन्हें अंजलियों में भरकर कोई वक्ष में दबा लेता है? क्या फूल इसलिए नहीं कुमलाते कि उनकी जड़ों को रस से सींचने वाली हथेलियां शिथिल पड़ जाती हैं? क्या सरिताएं इसलिए सूखती हैं कि उन पर बांध बनाकर उनका प्रयोग करने का प्रयास होता है? उनके नीचे की जो धरती है यदि वो ठोस और अच्छी न रहकर अकस्मात नीरत रेतीली मरुथल की धरती बन जाए तो क्या नदी फिर भी बह पाती है? क्या वीणा का तार इसलिए टूटता है कि उस पर बहुत जटिल राग बजाया जाता है?
यदि उसको किसी भी गति लय में ना बांधा जाए तो तारों में जंग लगी जाएगा, वीणा को भी धीरे धीरे दीमक चढ़ जाएगी, घुन खा जाएगी। इसलिए मुझको लगा पूछनीय कि गुरुदेव ने इस कविता में केवल आधी बात कही है, केवल एक पक्ष रखा है। केवल मुक्ति, केवल अलगाव ही कल्याणकारी नहीं है, बंधन की भी कोई सार्थकता है जिसकी टैगोर ने उपेक्षा की। लेकिन ये उपेक्षा केवल उनके काव्य की निजी विशेषता नहीं है, वो जिस अर्ध रोमांटिक छायावादी काव्य धारा के श्रेष्ठ पुरुष थे, उस पूरी धारा से इसी अर्ध सत्य को बार बार खूब शब्दों में, चित्रों में सजा सजा कर कहा गया है, क्योंकि समाज का पुराणपंथी दृष्टिकोण का भय था। अतः वह बार बार कहते थे कि शुद्ध अनुराग केवल मानसिक है, केवल आत्मिक है, वो शरीर में नहीं बनता, वो लौकिकता में नहीं बनता, वो पार्थिवता में नहीं बनता, उसको बांधा कि वो समाप्त हुआ। अगर अनुराग केवल इसलिए है कि शालिग्राम की मूर्ति की तरह उसे अपने हृदय के कोने में हम स्थापित कर दें और उस कोने को सबसे अछूत बनाए रखें और सारी दुनिया के यथार्थ से अपने उस आराध्य को अलग रखें और डरते रहें कि यथार्थ ने इसे छुआ कि ये मरा, तो ऐसा अनुराग सिवाय इसके कि पहले एक अनुष्ठान, फिर एक पाखंड और अंत में केवल एक पथरीला बोझ मात्र रह जाएगा। नहीं बंधु, एक उम्र थी जब इस छायावादी भावुकता को मैं बहुत आदर्श मानता था, पर बाद में लगा कि ये केवल अर्ध सत्य है। अनुराग को कहीं ना कहीं सहयात्री बनना होता है, ऊंचे शिखरों, गहरी घाटियों, घुमावदार पगडंडियों, कंकड़ीले कंटीले रास्तों पर यदि अनुराग साथ न चल सका तो बस उस अनुराग के सपने देखिए, पूजा कीजिए और भूल जाइए। नहीं बंधु, ऐसा अनुराग उन लोगों के किस काम का जिनमें नैतिक साहस है, जिनमें निष्ठा है, जो तन कर खड़े हो सकते हैं और जिनका आदर्श वो प्रभु है जो मुक्त होकर ब्रह्मलोक में नहीं बसा, बंदरे के लिए धरती पर अवतरित हुआ, माखन चुराकर उखल में बंधने के लिए, बंसी बजाकर राधा में बंधने के लिए, सारथी बनकर युद्ध में बंधने के लिए और मरते मरते भी स्वेच्छा से गांधारी के श्राप में बंधने के लिए। और यहीं पर जीवन की सबसे गहन जटिलता का सूत्रपात होता है। लेकिन क्या फिर मुक्ति की बात बिल्कुल झूठ है? नहीं, यह भी उतना ही बड़ा अर्थ सत्य होगा जितना यह कहना कि बंधन बिल्कुल निरर्थक है। मुक्ति के क्या अर्थ है? यही ना कि हमारे व्यक्तित्व में जो सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, महान है, वो बंधा ना रहे, घुटा ना रहे, कुंठित ना रहे, वो मुक्त होकर विकास करे। पर वो विकास भी किसी ना किसी बंधन की अपेक्षा करता है। गंगा ब्रह्मा के कमंडल में बनी थी, वहां से मुक्त होकर जब धरती पर आई और निरंतर विकास करने लगी, तब भी क्या दो कूलों जैसे बाहों के बंधन में नहीं बंधी? यदि दो कूल गंगा जल को ना बांधे तो क्या उसकी गति कल्याणकारी रह जाएगी? नहीं, वही गंगा उमड़कर खेतों को, गांव को डुबोकर अंत में अंतहीन मैदानों में फैलकर लुप्त हो जाएगी। इसीलिए मेरे बंधु, मैं नहीं मानता कि सार्थकता बंधन में नहीं है। ऐसा बंधन जो कुंठित न करे, विकास दे, अंदर के श्रेष्ठतम को उभारे। मुक्ति का वास्तविक अर्थ है निरर्थक का परित्याग कर सार्थक से बंधना। क्यों है ना मेरे साहसी बंधु? भारती जी, अब देखिए आपकी बात सच है कि नहीं? एक साहित्यकार के पत्र में, ये पत्र है ही नहीं, अपने आप में कितना विस्तृत साहित्य है। और ना केवल वो दोनों साहित्य की चर्चा करते थे, बल्कि भारतीय जी ये चाहते थे कि पुष्पा जी भारत की लोक कलाओं से जुड़े, भारत के उत्सवों से जुड़े, और एक बात तो बिल्कुल चाहते थे कि पुष्पा जी जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत, जो उनकी पसंद, बहुत दिल से जिन्हें वो पसंद करते थे, तो वो चाहते थे कि थोड़ा बहुत वो गाने लग जाए। पर पुष्पा जी कहती थी, वो कहते थे भाई हारमोनियम खरीद लो, बंगाल में रहती हो, बंगाल में कुछ तो फायदा उठाओ, तो तुम कुछ गाना गाओ। तो वो कहती थी भाई मैं क्या करूं, मैं जब भी सारे गामा पा लगाना होता है तो मेरे मुंह से निकलता है सारे गामा भा भा, तो पा तो है ही नहीं मेरी डिक्शनरी में, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो कहते थे मजाक मत करो, तुम कोई तो गीत करो, मैं गीत भी लिखने लगा हूं। तो वो कहती थी एक ही शर्त है, मेरे लिए विशेष तौर पर एक गीत लिखो। भारती जी ने दो चार गीत लिखे, पर एक गीत जो उन्हें खास पसंद था वो ये बताना चाहते थे कि शब्दों का सुर के साथ कितना महत्वपूर्ण एक नाता है, तो तुम शब्दों की महसूसगी के साथ गाओ। और फिर वो पत्र से ही ऐसे कुछ सिखाते थे। मैं तो कनू आज रात साजोंगे मुरलिया, तुम क्या जानो कब से मुझको प्यारी थी। हरे नरम बांसों की
लचकदार टहनी सी ये वन में रहती थी, भोरी थी क्वारी थी, मुरलिया रे नारे। मैं तो कनू आज रात, ऐसा था ना, दोबारा से। सजूंगी। मैं तो कनू आज रात साजूंगी मुरलिया, तुम क्या जानो कब से मुझको प्यारी थी, प्यारी थी प्यारी थी। मैं तो मैं तो कनू बस वो प्यार पर अटक गए। और जैसे कहा जाता है कि भाई गाए गाए गीत बन जाता है, इतनी बार उन्होंने जो ये प्यारी थी पे जो हरकत करी, तो फिर वो एक दिन आ ही गया कि ये प्यार जो है पाणी ग्रहण में परिवर्तित हो गया। 16 जून 1959 ये वो अद्भुत घड़ी थी जब लखनऊ में डॉक्टर धर्मवीर भारती और पुष्पलता शर्मा जी ने एक अनुबंध लिखकर उस पर हस्ताक्षर किए और जीवन भर साथ रहने का वादा किया। हम एक प्राण, एक तन, एक मन, एक अनुभव होकर जीवन के अंत तक जिएंगे। हमारा ये चरम एकात्म्य हम दोनों का स्वधर्म है। वो किसी दूसरे के अधिकार को, उसके स्नेह को बाधित नहीं करता। मन के बंधन से कोई बड़ी चीज नहीं होती। पुष्पा जी ने मुझे वो अनुबंध पत्र भी दिखाया जिसमें उन्होंने शब्दों द्वारा सप्तपदी ली और 7 वचन लिखकर दोनों ने हस्ताक्षर किए, और जिस सिंदूर से डॉक्टर धर्मवीर भारती ने उनकी मांग भरी थी वही अंगूठा उस अनुबंध पत्र पर लगा दिया। जानती हो, आज सुबह से सोचता रहा हूं कि वो कौन दूरदर्शी था जिसने ऐसे अनुष्ठान को पाणि ग्रहण की संज्ञा दी थी। केशव के यहां से जीपीओ गया तो यही बात सोचता रहा, पाणि ग्रहण की बात, और ध्यान आने लगा एक विशेष मुद्रा पर। वो मुद्रा इतनी मधुर, इतनी सुकुमार है कि उसे शब्दों में कैसे व्यक्त करूं। और इसके बाद एक बहुत मजेदार बात मन में आई, हिंदी का एक शब्द होता है संभ्रम। जो भावना संभ्रम में व्यक्त होती है वो ना आदर में व्यक्त होती है, ना सम्मान में, ना श्रद्धा में। आदर और सम्मान हल्के पड़ते हैं, श्रद्धा में पूजा भावना अधिक होती है। पर आज एक विचित्र प्रकार की संभ्रम भावना मैंने अनुभव की। ऐसा होता है कि जिसके प्रति व्यक्ति सारे समाज के सम्मुख, अपनी आत्मा के सम्मुख, ईश्वर के सम्मुख एक आजीवन कमिटमेंट करता है, उसके लिए चाहता है कि संसार के सारे व्यक्ति अपने इस जीवन साथी की कदर करें। जब दूसरे लोग उससे संभ्रमपूर्ण व्यवहार करते हैं तो जाने कहां पर मन संतुष्ट होता है, और मन अपने आप सबसे पहले पता नहीं कहां से उससे बड़ा आदरपूर्ण व्यवहार करने लगता है। और देखो तो आज सुबह कितनी मजेदार बात मन में आई, मैं तुमसे आधे घंटे दुनिया भर की घरेलू बातें करता रहा और बराबर तुम्हें आप पुकारता रहा, पर उस आप में एक कण भी फॉर्मेलिटी नहीं थी, पता नहीं कहां की चरम अंतरंगता थी, मन का कौन सा अंश कितना गहरा संतोष पा रहा था। और यह भी कि आज मैं तुम्हें याद करता हूं तो आरबी के नाम से नहीं, सूर्या के नाम से नहीं, वरन जिस नाम से तुमने हस्ताक्षर किए हैं सीधे साधे उसी नाम से, सारे व्यवधान चीर कर सीधे साधे पुष्पा भारती नाम को पूरा पूरा पुकारने में अच्छा लग रहा था। मुझे याद है लगभग 1.25 साल पहले एक बार मैं किसी स्टेशन के क्लोक रूम में सामान जमा करा रहा था, रसीद पर हस्ताक्षर करने थे और मैंने तुमसे पूछा था कि पुष्पा भारती नाम से तुम्हारे हस्ताक्षर करवा दूं, पर उस पूछने में रस था, आतुरता थी, आग्रह था, आकांक्षा थी, नए जुड़े परिणय संबंधों की सी मादकता थी, लेकिन आज तुम्हें उस नाम से पुकारने में वो सब कुछ नहीं था, मात्र एक सहज सुख था, एक अत्यंत घरेलूपन की आश्वस्त निश्चिंतता। और इसीलिए मुझे लगता है पुष्निया कि क्या किसी स्थिति में आकर ऐसा हो जाता है कि हम जो भी बोलते हैं, जो भी लिखते हैं, वो केवल एक के प्रति निवेदन होता है। उसमें भाषा कोई भी हो, पात्र कोई भी हो, पर वो हर शब्द जो सार्थक होता है उसका सारी दुनिया के लिए कोई भी अर्थ हो, पर बोलने वाले के लिए उसका केवल एक अर्थ होता है, और वो जो उसके हर शब्द का अर्थ है वही उसके समस्त अस्तित्व का अर्थ है। तो क्या एक नया सिद्धांत बनाया जाए
लिखने वाला पढ़ने वालों या सुनने वालों के लिए नहीं लिखता, वो केवल उसके लिए लिखता है जिससे वो सर्वाधिक प्यार करता है। सारी दुनिया तो दोनों की बातों को बाहर से सुनती है, अपने हिसाब से उसका अर्थ ले लेती है। उर्दू में गीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है गजल। गजल के अर्थ क्या है पता है? दो प्रियजनों की बातचीत। तो क्या सारी कविता, सारा साहित्य केवल दो प्रियजनों की बातचीत है? जो कनु राधन से नहीं कहता वो साहित्य नहीं बन पाता, और जो कनु कहता है किसी से भी, जब तक राधन उसको ग्रहण नहीं करती तब तक उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। कभी लाल कनेर के फूल वाले लेख में कनु ने कहा था कि भाषा निरर्थक है क्योंकि हर व्यक्ति अपने में सर्वथा आबद्ध सत्ता है, एक की बात दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाती। पर आज कनु ने कहा है कि मेरी बात चाहे मैं किसी से कहूं, जब तक राधन तक नहीं पहुंचती निरर्थक है। उसमें क्या कहा गया है ये उसे अर्थ नहीं देता, उसका राधन तक पहुंचना ही उसे अर्थ देता है। तो क्या भाषा की पूरी व्याख्या ही बदल जाएगी? भाषा केवल वो है जो कनु और राधन को जोड़े? भाषा केवल वो है जो कनु और राधन को साहित्य में एक शब्द होता है कालजयी, यानी वो रचना है, वो साहित्य जो हर युग में जीवित रहता है, मरता नहीं, जो शाश्वत है, जो रेलेवेंट है। भारती जी का अंधा युग एक ऐसी ही कालजयी रचना है। अश्वत्थामा जिस ब्रह्मास्त्र को फेंक कर पूरे संसार का विनाश करना चाहता था, और व्यास ने उसे जिस बात की चेतावनी दी थी, वो डर वो भय आज भी पूरे विश्व पर छाया हुआ है। एक तरफ हमारे ट्रंप अमेरिका में बैठे बैठे हमेशा डराते हैं कि भाई उनके पास उनकी टेबल पर एक ब्रह्मास्त्र का बटन पड़ा है, वो कभी भी दबा सकते हैं। दूसरे नॉर्थ कोरिया के सन की बादशाह किम जोंग उन पता नहीं जिंदा हैं कि मर गए हैं, वो भी कहते हैं कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मैं कभी भी दबा सकता हूँ। अब एक नए पैदा हुए चीन, जिन्होंने कोरोना के रूप में ब्रह्मास्त्र फेंक ही दिया और वो कह रहे हैं कि देखिए विनाश हो जाएगा। अब मैं सोचती हूँ कि महाभारत का व्यास कितना कालजयी है, जिसे हर युग में बड़े बड़े लेखकों ने एडेप्ट किया, अपनी तरह से दुनिया को चेतावनी दी। भारती जी का अंधा युग भी एक ऐसी ही कालजयी रचना है जो हमें युद्ध के विनाशकारी परिणाम की ओर चेतावनी देती है। उस तन्मयता में तुम्हारे वक्ष में मुंह छिपाकर लजाते हुए मैंने जो जो कहा था, पता नहीं उसमें कुछ अर्थ था भी या नहीं। आम्र मंजरियों से भरी हुई मांग के दर्प में मैंने समस्त जगत को अपनी बेसुधी के एक क्षण में लीन करने का जो दावा किया था, पता नहीं वो सच था भी या नहीं, या फिर आज भी जो उस मन में कसकता है, स्तन में कांप कांप जाता है, वो स्वप्न था या यथार्थ, अब मुझे याद नहीं। पर इस आम की डाली के नीचे जहां खड़े होकर तुमने मुझे बुलाया था, आज भी आकर बड़ी शांति मिलती है। ना मैं कुछ सोचती नहीं, कुछ याद भी नहीं करती, सिर्फ मेरी अनमनी भटकती उंगलियां धूल में तुम्हारा वो नाम लिख देती हैं जो प्यार के गहनतम क्षणों में मैंने खुद रखा था और जिसे हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता था। और जैसे ही सचेत होकर अपनी उंगलियों की इस दृश्यता को जान पाती हूँ, चौंक कर उसे मिटा देती हूँ। उसे मिटाते दुख क्यों नहीं होता कभी? क्या मैं केवल दो यंत्रों का पुंज मात्र हूं, दो परस्पर विपरीत यंत्र, उनमें से एक बिना अनुमति तुम्हारा नाम लिख देता है, दूसरा बिना हिचक उसे मिटा देता है? तीसरे पहर चुपचाप यहां आकर बैठ जाती हूं, हवा ऊपर ताजी नरम टहनियों से और नीचे कपोलों पर झूलती मेरी रूखी अलकों से खेल करती है, और मैं आंखें मूंद कर बैठ जाती हूं और कल्पना करना चाहती हूं कि उस दिन बरसते में अपने आंचल में जिस छौने को छिपा कर लाई थी, आज कितना 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 महान हो गया है।
मैं कुछ सोच नहीं पाती कनु, बस जहां तुमने मुझे अमित प्यार दिया वहीं बैठकर पत्ते तिनके कंकड़ टुकड़े चुनती रहती हूँ। तुम्हारे महान बनने में मेरा कुछ टूटकर बिखर गया कनु। आम मंजरियों से भरी मांग की दर्द को तुम्हारे वक्ष में छिपा कर लजाते हुए बेसुध होते होते जो कुछ मैंने सुना था, क्या उसका कोई अर्थ नहीं था? अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं ये स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं ये स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला तुम्हारा ये युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनु? मैं तो वही हूं तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला है जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर दी। आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। अपनी जमुना में जहां घंटों अपने को बैठ करके निहारा करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्तियां रोज रोज कहां जाती हैं? धारा में बह बहकर आते हुए टूटे रथ जर्जर पताकाएं किसकी हैं? हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर आते हुए गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे कभी बुलाते थे भटकी हुई गायों को? जितनी समझ अब तक तुमसे पाई है कनु, उतनी बटोर कर दी। कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। अर्जुन की तरह से कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता क्या है बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक में क्या है कनु? अंधा युग कदापि ना लिखा जाता यदि इसका लिखना ना लिखना मेरे वश की बात रह गई होती। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया, थोड़ा डर भी लगा। लगा कि इस अभिषिक्त भूमि पर एक भी कदम रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। पर एक नशा होता है अंधकार के घरेचते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतर जाने का और अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के, प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ कणों को बटोर कर बचा कर धरातल तक ले जाने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। उसी की उपलब्धि के लिए कृति लिखी गई। एक स्थल पर आकर मन का डर छूट गया था। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, क्रूरता, अंधापन, इनसे हिचकिचाना क्या? इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं, तो इनमें क्यों ना निडर धसूं? इनमें धसकर भी मैं मर नहीं सकता। हम ना मरे मरे है संसारा, पर नहीं, संसार भी क्यों मरे? मैंने जब वेदना सबकी भोगी है तो जो सत्य पाया है वो अकेला मेरा कैसे हुआ? एक धरातल ऐसा भी होता है जहां निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है, वो भिन्न नहीं रहते। कहिए तो भिन्न न भिन्न, ये तो व्यापक सत्य है। जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की है उसकी मर्यादा इसी में है कि वो पुनः व्यापक हो जाए। लेकिन फिर भी अंधा युग में गांधारी के कृष्ण को शाप देने के हृदय विदारक प्रसंग को लिखते हुए मेरी भी कलम थरथरा गई थी। तो क्या वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, किया है तुमने ये सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है ये। सुनो,
आज तुम भी सुनो। मैं तपस्वनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल ये, इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने वो अधर्म किया। क्यों नहीं दिया तुमने वो पाप भीम को, जो दिया तुमने निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। सुनो, यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह परस्पर एक दूसरे को फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में एक साधारण व्याघ के हाथों मारे जाओगी, प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह, पशुओं की तरह, पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, तुम्हारे सारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में और कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ, वो कोई नहीं था, वो मैं ही था, गिरता था जो घायल होकर रणभूमि पर। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। ये तुमने क्या किया कर्ण, ये तुमने क्या किया कृष्ण। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते अस्वीकार यदि शाप तुम मेरा, तो क्या मुझे दुख होती। मैं कटु थी, निराश थी, पुत्र ऐसा ना कहो माता, जब तक मैं जीवित हूं पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। क्या क्या विदुर, ये मैंने क्या किया। जिसकी शेष शैया पर तुम्हारे साथ युगों युगों तक क्रीड़ा की, आज समुद्र को मैंने स्वप्न में देखा करूं। मैंने देखा कि अगणित विक्षुब्ध विक्रांत लहरें फेन का शिरस्त्राण पहने, सिवार का कवच धारण किए, निर्जीव मछलियों के धनुष लिए युद्ध मुद्रा में आतुर है, और तुम कभी मध्यस्थ हो, कभी तटस्थ, कभी युद्धरत। हाँ, जो समुद्र को मैंने स्वप्न में देखा करूं, निर्जीव सूर्य, निष्फल सीपियां, निर्जीव मछलियां, लहरें नियंत्रणहीन होती जा रही हैं, और तुम तट पर खड़े बांह उठा उठाकर कुछ कहे जा रहे हो, पर तुम्हारी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। अंत में तुम थक कर, हार कर, लौट कर मेरे बक्ष के गहराव में अपना चौड़ा माथा रखकर एक गहरी नींद सो गए। आज उस समुद्र को मैंने सपने में देखा करूं, समुद्र के किनारे नारियल के कुंज हैं, और तुम एक बूढ़े पीपल के नीचे चुपचाप बैठे हो। चारों ओर एक खिन्न दृष्टि से देखकर, एक गहरी सांस लेकर, तुमने असफल इतिहास को अजीर्ण वसन की तरह त्याग दिया है, और इस क्षण केवल अपने में डूबे हुए, दर्द में पके हुए, तुम्हें बहुत दिनों बाद मेरी याद आई है।
बहुत दिनों बाद अपना पुराना सुबह के 3 बजे का रहस्यमय समय। नहीं जानता कि तुम इस समय क्या कर रही हो, जाग रही हो, सो रही हो, सपना देख रही हो, या इसी तरह जाग कर बैठ गई हो। आज रात जब सोया था ना, तो अजब ढंग से, जैसे कभी कभी बहुत अजीजी से, बहुत प्यास के क्षण में, मैं बहुत समर्पण के क्षण में मासू के पास माथा रखकर होठों में पंखुड़ियां लेकर सो जाता हूं, वैसे ही सोने की कोशिश की थी आज, पर अभी 3 बजे नींद खुल गई। वैसे नींद खुलना क्यों कहूं, क्योंकि सच पूछो तो नींद इस बार जिस दिन से लखनऊ से इलाहाबाद गया हूं, उस दिन से शनिवार को यहां बंबई में आई है, और वजन भी हमेशा तभी घटता है जब नींद गायब होती है। तुम्हारे बगैर, तुम्हारे होने पर भी सोता कम हूं, पर ईश्वर जाने क्यों वो जागरण कण कण को भरे रहता है। राजे, मुझे कष्ट है, जल्दी आ जाओ प्यार। भारती, क्या तुमने उस बेला मुझे बुलाया था? कनु, लो मैं सब छोड़ छाड़ कर आ गई, इसीलिए तब मैं तुम में बूंद की तरह विलीन नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने अस्वीकार कर दिया था तुम्हारे गोलोक का कालावधीन राज, क्योंकि मुझे फिर आना था। तुमने मुझे पुकारा था ना, लो मैं आ गई हूं कनु, और जन्मांतरों की कठिनतम मोड़ के कठिनतम पगडंडी पर खड़ी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं कि कहीं इस बार इतिहास रचते समय तुम अकेले ना छूट जाओ। सुनो मेरे प्यार, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये दर्द जो राधा का था, वही भारती जी और पुष्पा जी के बीच में कहीं था। अब भारती जी एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे जहां वो शिथिल थे, और विधि की विडंबना कहिए कि उनकी जीवन में भी ये मौका आ गया था कि जब वो बातचीत नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जाते वक्त जून के महीने में उनकी मृत्यु हुई, और पुष्पा जी से उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हें और कोई उपहार तो दे नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, तो मैं तुम्हें क्या दूं? पुष्पा जी ने कहा कि मैं बाहर से कुछ ले आऊं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सरप्राइज में बिलीव करता हूं। और आखिरी उनकी कविता का सिर्फ एक टुकड़ा पढ़ सकती हूँ। मैंने घर छोड़ा सफरनामा, मैंने घर छोड़ा ओढ़ा देश निकाला, जाने किसकी तलाश में अलग जगाया, जंगल जंगल भटका वीराने छाने, इस बीहड़ पागलपन पर मुझ पर छाया, इस पागलपन के जाने क्या थे माने। अब शाम उतर आई है, पथ धुंधलाया, धीरे धीरे उदास अंधियारा छाया, राहे पगडंडी सब हो जाती गुम, अब मेरे और करीब चलो तुम। तो ये थे भारती जी के शब्द, क्योंकि हमारा 2 घंटे का नाटक है, इस समय हम शब्द लीला पूरी नहीं कर सकते, बहुत कुछ सुनाना चाहते थे। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कोई इंस्टाग्राम में बैठे हैं, वो गलत आदत ना पाल लें कि भाई कोरोना में मुफ्त में बैठकर इतना जबरदस्त नाटक देखा। आपको थिएटर बजाना है। बहुत से लोगों का मैंने देखा वरुण, कि उन्होंने लिखा कि ऐसी हिंदी हमने कभी नहीं सुनी, हिंदी में हम ओतप्रोत हो गए, किसी ने कहा व्हाट अ डीप फीलिंग। तो अगर हिंदी को बचाना है, रंगमंच को बचाना है, तो आपको टिकट लेकर थिएटर में आना है। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, आपके तो बहुत सारे फैंस हैं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी गांधारी के श्राप में भी। अच्छा जी जी, ऐसा है कि आपके पास वक्त है अभी? वक्त है, क्योंकि लेट शुरू किया था ना। हम दोबारा से लाइव शुरू किया ना, हमने दोबारा शुरू किया था, तभी तो मैं कह रही हूं आप रोक क्यों रहे हो मुझे। पर कोई बात नहीं, हमारा शो जो है अब जब खत्म हो ही गया है, तो कुछ एक लोग अगर सवाल पूछना चाहे। सवाल करना तो गई, किसी ने कहा था एब्रप्ट खत्म ना, ना मैं देख रही थी, घड़ी पर नजर थी मेरी, और क्योंकि भारती जी को एब्रप्ट हम नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी शुरुआत और रिश्ता क्या रहा और कैसे गए। तो अब आप सवाल लीजिए ना लोगों से। तो जो थोड़ा बहुत समय बाकी है, अगर आप लोगों में से कोई भी कुछ पूछना चाहे, तो अपने सवाल आप हम लोगों को
आपका गान सुनाओ, ये तो डेफिनेटली ये किसी और ऐसे हमारी जो बची हुई कविताएं है ना, वो जब नाटक रंगमंच पर हम खेलेंगे तब आइएगा जरूर। बची हुई हमने क्लिफ हैंगर पे लाके छोड़ा है आधी आधी कविता। और आपने जो एक्टा गान कहा तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब पुष्पा जी से मिलने भारती जी वहां जाते थे कलकत्ता में, तो सभी कहते थे दीदी दीदी कोबी आएगा छे, कोबी आएगा छे, तो उनको कोबी आएगा। इनफैक्ट ये कई लोगों को बात शायद पता नहीं होगी जिन्होंने ये नाटक नहीं देखा है कि चूंकि पुष्पा भारती जी कलकत्ता जाकर रहने लगी थी तो भारती जी ने बंगाली सीखना शुरू कर दिया था इलाहाबाद में। बिल्कुल। और वो बकायदा टीचर लगाया गया था उसके लिए। वो जरा किस्सा सुनाइए ना, जो बंगाली सीखने लगे और वो फिर टीचर थोड़े नाराज हो जाते थे, तो आपके भारती जी ने क्या लिखा था उसके बारे में? तो उन्होंने टीचर लगाया था, लेकिन भारती जी का जो है कहीं ना कहीं पे ये मानना था कि टीचर लगाने से पहले उनको टीचर का इंटरव्यू ले लेना चाहिए था, क्योंकि बोलते बहुत थे। तो वो जितनी भी 1-1.5 घंटे की जो क्लास होती थी उसमें वो मतलब इतनी पक 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 करते थे कि दिमाग खा जाते थे। लेकिन चूंकि अब उन्होंने मुद्दा बना के रखा हुआ था कि भाई बंगाली सीखनी है पुष्पा भारती जी के लिए, तो ये एक मक्खी थी जो कि उनको देख के निकलनी पड़ती थी हर बार। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी चिट्ठियां जो है वो बंगाली में लिखना शुरू कर दिया था, मतलब जितना भी उन्होंने प्रोग्रेस की होगी। और बाकायदा जो है वो अपने मतलब प्रेम का इजहार जो है वो बंगाली में किया करते थे उसके बाद। और बोला कैसे था ये बकबक बकबक, क्या कैसे आप बोलते थे नाटक में? मैंने बंगाली सीखना शुरू कर दिया है, लेकिन ये कंबक बंगला का मास्टर इतनी बकबक बकबक करता है कंबक दिमाग खा जाता है। 10 दिन तो एक तरफ मतलब के बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि हिंदी भाषा में इतना रोमांस है, इतनी गूढ़ है। कुछ न्यूजीलैंड के दिख रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के, और कहना चाहते हैं कि फिजिकलिटी में हम थिएटर देखना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण है। अगर आप अच्छे साहित्य को जिंदा रखना चाहते हैं तो उसे आपको सुनना पड़ेगा, और मातृभाषा हो, प्रांतीय भाषा हो, जब हमारी भाषा में बात करेंगे तो उसका असर तो कुछ और होगा। बड़े बड़े एक से एक बड़े साहित्यकार हैं, भारती जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। अच्छा, अब कुल मिलाकर 7 सेकंड रह गए हैं, तो सभी लोगों को हमारी तरफ से यहाँ आ